असलम एवरी एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे खैर खैरियत से होंगे मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ खैरियत से हूँ इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्जुमान में रखे खैरियत से रखे और हमें अपनी औलादों की खुशिया सुकून दिखाए सेहत और तंदुरुस्ती के साथ क्योंकि जी सेहत है तो हजार नेमत है चले जी मैं अब ब्लॉग का आगाज करती हूँ और जी ये मैं घर वापस आ रही हूँ मीट की मैंने करने गई थी मीट लेने गई थी मैं तो चिकन हुआ या जो भी हुआ चिकन बीफ और बोनलेस तो ये सब मैं लेने गई थी ये मैंने कर ली है अब मैं घर की तरफ वापस जा रही हूँ घर से वापस आके फिर मैं इन सब को अपनी जगह पे रखूँगी फिर डिनर की तैयारी करेंगे अभी है तकरीबन असर का टाइम हो चुका है मैं जो हूँ मैंने कहा चलो ये सब भी लेकर आ जाते फ़ोन पे ऑर्डर दे दिया था अब मैं उसको लेने जा रही हूँ चले जी चलते हैं अपनी मीट की जो भी हमारा सामान है वो मैं रखती हूँ घर में फिर आपसे मुलाकात करती हूँ चले जी मैं ये घर वापस आ गई थी घर वापस आके मैंने प्याज अदरक हरी मिर्चें एक छोटी प्याज थी एक तीन हरी मिर्चें थी एक इंच का टुकड़ा अदरक का था तीन क्लोव गार्लिक के थे और जी ये टूट और कीमा मेरे पास था हाफ के जी चिकन बोनलेस इनको मैंने चॉप कर लिया था फिर मैंने टू टेबल स्पून भर के क्रीम डाल दी थी हैवी क्रीम डाल दी थी आप कोई भी क्रीम डाल दें फ्रेश क्रीम डाल दें साथ ही मैंने वन टी स्पून कुटी लाल मिर्च वन टी स्पून चिली पाउडर हाफ टी स्पून हल्दी आ, वन टी स्पून धनिया वन टी स्पून गर्म मसाला और जी ये बस डाल के मैं सब मिक्स कर दूंगी इस तरह मैं देखिए ये मैं इस तरह ऑयलिंग कर दूंगी हाथों को ग्रीस कर लूँगी हाथों को और इस तरह से अपने से ये सीख कबाब बना लूँगी छोटे छोटे ये हाफ के जी में ठीक ठाक बन गए थे मेरे सीख कबाब ये तकरीबन छः सात सीख कबाब बन गए थे अच्छे से इधर जी मैं ये ले लूँगी भिंडी बनाऊँगी भिंडी प्याज भिंडी प्याज बनाने के लिए मैं डेढ़ कप ऑयल लूँगी डेढ़ कप लूँगी क्योंकि भिंडी अच्छे से फ्राई करनी है तो ये चीज मैंने ले लिया डेढ़ कप ऑयल इस ऑयल में मैं डाल दूंगी सॉल्ट टू टेस्ट सॉल्ट टू टेस्ट ऑयल में डाल दूंगी ऑयल में सॉल्ट को मिक्स कर दूंगी भिंडी प्याज बना रही हूँ भिंडी प्याज मैं जब भी बनाती हूँ मुझे अपने मरहूम ससर बहुत याद आते हैं उनकी यकीन माने ये बहुत फेवरेट डिश थी वो भिंडी पिका जब सीज़न आता था तो भिंडी बहुत पकवाते थे और बहुत शौक से खाते थे और ये मैंने अपनी ससुराल से ही डिश सीखी है मेरे मैके में किसी और तरीके से बनाई जाती है ससुराल में ऐसे फ़्राई करके बनाई जाती है ये देखिए जी मैं ऐसे लाल लाल फ्राई कर लूँगी इसको बहुत ज्यादा लाल नहीं करूंगी इधर जी मेरे पास है दो लार्ज प्याज दो लार्ज प्याज जी क्योंकि भिंडी प्याज है तो प्याज तो ज्यादा डलेगी ही दो लार्ज ये प्याज हैं इन प्याज को मैं हल्का हल्का सौते कर लूंगी इसको कोई नरम नहीं करना कोई रंग नहीं देना बस हल्का सा सौते करके ये मैं टमाटर डाल दूंगी एक दिन पहले जो मैंने क्रीमी चिकन बनाया था उस उन टमाटरों का ये गूदा था और ये दो टमाटर थे मीडियम साइज के समझे आप तीन मीडियम साइज़ के टमाटर डाल दें पहले प्याज को सौते कर लें इसमें मैंने पंचफ़ोरन डाल दिया पंचफ़ोरन या चार मसाला जिसे हम कहते हैं वो डाल दिया चाहे तो आप कैरी भी डाल सकते हैं भिंडी में कैरी भी अच्छी लगती है लेकिन मैं पंचफोरन डाल दूँगी कुटी लाल मिर्च एक टी स्पून पीसी लाल मिर्च एक टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा एक टी स्पून हल्दी हाफ़ टी स्पून और जी लहसुन अदरक का जो पेस्ट होता है वो भी मैं हाफ़ टी स्पून डाल दूँगी और इनको अच्छे से मिक्स कर दूँगी प्याज़ देखिए मेरी यूँ ही कच्ची है बिल्कुल भी इसको मैंने नरम या वो नहीं किया है रंग नहीं दिया है हाफ टीस्पून ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है फिर इनको अच्छे से मिक्स कर दूंगी अच्छे से इनको मिक्स करके इनमें मैं डाल दूंगी टमाटर तो ये जी मैं टमाटर डाल दूंगी और टमाटर डाल के इसको दम दे दूंगी थोड़ी सी देर के लिए ये देखिए जी मैंने टमाटर चॉप कर दिए थे और टमाटर डाल के दम दे दूंगी जब टमाटर अपना मसाला छोड़ देंगे नरम हो जाएंगे तो जी इस की मदद से मैं टमाटरों को ऐसे भूनती भी जाऊंगी मसाले को गायब भी कर दी जाऊँगी मसाला मैं फुल नहीं भूलूंगी अभी इसमें समझे फाइव सिक्स परसेंट पानी है तो मैं जो हूँ इसमें जो है भिंडियाँ डाल दूँगी जो मेरी फ्राई हुई हुई भिंडियाँ भिंडियाँ जो मेरी फ्राई हुई हुई हैं उसको अच्छे से मैं बना डाल दूँगी इसके अंदर जो भी उसके जूसेस हैं जो भी और तेल है वो भी अच्छे से पोच लें आप ऐसे पोच के डाल दें ऐसे झटपट से बड़ा ज़बरदस्त और बहुत मजे की भिंडी बनी थी और ये मिस मेरी ससुराल की मोस्ट फेवरेट डिश है मैंने शादी के बाद यहाँ आके सीखी थी बहरहाल जी इसको मैं मिक्स कर दूंगी और हरी मिर्चें डाल के इसको मैं पाँच से छः मिनट और दम दे दूँगी ताकि हरी मिर्चों का जो ग्रीन पेपर है सॉरी ग्रीन चिल्ली जो है ग्रीन चिल्ली का जो है इसका जूसेस जो है ग्रीन चिल्ली का जो फ्लेवर है वो भी इसमें मिक्स हो जाए इस तरह जी देखिए मैं इसको अभी ये फुल वो नहीं हुई है भूनी नहीं है इधर मैंने आपको सलाद शो कर रही हूँ कि मैंने बड़े मज़े से सलाद भी साथ में बना ली थी ये देखिए जी अब मैं इसको फुल भून लूँगी हरी मिर्चें थोड़ी सी नरम हो गई हैं अब मेरा ये अच्छे से मैं भून के इसे जो है मैं बंद कर दूंगी स्टोव ये देखें जी मेरा फुल ये भिंडी तैयार है सादे दही के साथ सर्व करें बहुत टेस्टी कुछ दही में नहीं डालें इधर मेरा सीख कबाब है सादे दही के साथ इसको सर्व करें जो मेरे सीख कबाब थे वो मैं साथ में फ्राई कर रही हूँ इधर मेरे तवा गर्म हो चुका है रोटी बना लेती हूँ मैं और ये बहुत टेस्टी बनी थी ये है जी मेरे बेटे की प्लेट मैंने सबसे पहले उसको दिया गर्मा गर्म रोटी के साथ ये मैंने कहा जरा रुको मैं तुम्हें तुम्हारी प्लेट दिखा दूँ बहुत टेस्टी सादे से दही के साथ बहुत मज़ेदार बहुत डिलिशियस बनी थी आप जरूर ट्राई करें मुझे बताएँ चले जी हर घर की रूटीन डिनर हमारा हो चुका है डिनर के बाद की क्लीनिंग होती है सफाइयाँ होती हैं सारा मैंने अपना स्टोव क्लीन कर दिया है सारे मेरे काउंटर टॉप क्लीन हो गए हैं ट्रैश सारे बाहर हो गए कल ट्रैश ट्रक भी आएगा ये छोटा ट्रैश भी जो मैं किचन सिंक के साथ रखती हूँ ये भी खाली कर दिया है बर्तन सारे ड्राई होने रख दिए हैं बस जी ये सब मेरा किचन अब मैं ऊपर जा रही हूँ कमरे में डिनर ये डाइनिंग टेबल जो है ये भी मेरी साफ़ सुथरी हो गई है डिनर पे बच्चों के दोस्त आ गए थे तो ये बड़ा खूबसूरत सा रेड रोज़ का बुके लाए थे मुझे बड़ा प्यारा लगा था तो मैंने इस तरह इसको इस कुछ पे लगा दिया है इतनी खुशबू माशा इतने प्यारे प्यारे रेड रोज़ और मैं ये सब उठा लेती हूँ छोटे की कार ये भी मैं उठा लेती हूँ चले जी उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग मेरी कोशिश पसंद आई होगी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़